नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ई क्राइम न्यूज। ई क्राइम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मोहम्मद इदरीश, जिला ब्यूरो उन्नाव। आइए रुक करता हूँ आज की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। कानपुर ब्रेकिंग। कानपुर लॉकडाउन में अपराधियों ने हत्या कर वारदात को दिया अंजाम, पुलिस को दबंगों ने दी चुनौती। कानपुर के पंखी इलाके में लॉकडाउन की आड़ में सरेआम सीआईएसएफ जवान की हत्या कर दी और शव को नहर किनारे फेंक कर फरार हो गए। इस घटना से पुलिस की सक्रियता की पोल खोल कर रख दी है, जबकि पुलिस कोरोना संकट में लॉकडाउन में चप्पे चप्पे पर निगरानी करने का दावा करती है। यहां तक कि नगर की हर गतिविधियों की नज़र के लिए ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है, लेकिन अपराधियों ने पुलिस की चौकसी की धज्जियां उड़ाते हुए 40 वर्षीय सीआईएसएफ जवान की हत्या कर पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। पंखी इलाके में मिर्जापुर क्षेत्र में मौजूदा नहर के किनारे काली स्कॉर्पियो में सवार हथियारों ने ईंटों से कुचलकर शव को फेंक कर फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और तफ्तीश में जुट गए हैं। वहीं पूरी कानपुर पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया गया कि काली स्कॉर्पियो गाड़ी पर सघन चेकिंग अभियान चलाए। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस की माने तो हर बिंदुओं की जांच की जा रही है, पुलिस जल्द ही इस व्यक्ति को सुलझा लेगी। कानपुर से फैसल इराकी की खास रिपोर्ट।